डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के डेट्स नज़दीक आते जा रहे हैं, धड़कनें बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रहा है, चूंकि बहुत कुछ बचा हुआ है, इसे करना है। आने वाले दिनों में हम लोग भी अपने प्रोसेसेस को एक्सपेडाइट करेंगे, तेज़ करेंगे। अभी टेस्ट सीरीज आपका चलेगा, साथ ही करंट अफेयर्स का बहुत कुछ बचा हुआ है, बिहार पे कंटेंट बचा हुआ है, ये सब हम लोग करेंगे। हमारा जो सामर्थ्य है हम उससे अधिक आपके साथ रहेंगे। साथ ही आपको भी अपनी सक्रियता को बनाए रखना है और अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करना है। काफ़ी कुछ देखिए याद करने के लिए बचा हुआ है। मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत कुछ याद भी करना है, तो ये सब लेके चले। ज्योग्राफी में बहुत कुछ याद करना है, हम देते जाएंगे डेली दो तीन याद करने वाला, जो मेमोराइज करना है आपको, बहुत सारी चीज़ें उसमें। आज एक हमने दिया है आपको टॉपिक जो याद करने वाला है, वो है कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए 1885 से लेकर 1947 के बीच, जो कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन है, सब नहीं करना है, उन मुख्य अधिवेशन को, उसके अध्यक्ष, साल और इसमें कौन से घटनाक्रम हुए। जैसे 1929 का लाहौर अधिवेशन, आज ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये सब हमें करना है। आज का जो टॉपिक है बिहार से रिलेटेड, उसको लेकर दरअसल इस टॉपिक का उद्देश्य है कि उस टॉपिक को कवर किया जाए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने में आपको दिक्कतें आ रही हैं। आज के टॉपिक में दिया गया था कि स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन का बिहार पर प्रभाव, यानी 1905-6 में जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला, उसका असर बिहार पे कैसे पड़ा। स्वदेशी आंदोलन तो शुरू हुआ था बंगाल विभाजन यानी बंग भंग के विरोध में। लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि राष्ट्रीय आंदोलन को दबा दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, क्योंकि बंगाल उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, तो उसने सोचा कि इसे बांट कर, हिंदुओं को मुसलमानों से बांट कर, बंगालियों को उड़िया और हिंदी भाषी से बांट कर, इस तरह से जो पूरा राष्ट्रीय एकता थी उसे बांट कर, टुकड़े टुकड़े कर उसने सोचा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत में पहला अखिल भारतीय आंदोलन, ऑल इंडिया लेवल का जो मूवमेंट है, वो पहला आंदोलन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत से जो पहला आंदोलन दिखा अखिल भारतीय स्तर का, वो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन था, जो 1905-6 में प्रभावी रहा। बंगाल में इसका उग्र रूप देखने को मिला, लेकिन ये अखिल भारतीय था तो निसंदेह इसका बिहार पर भी व्यापक असर पड़ा, क्योंकि जो बिहार से बाहर कुछ राज्य थे जहां इस आंदोलन का बहुत प्रभाव पड़ा, उसे बिहार अग्रणी था। कारण यह था कि बिहार बंगाल से लगा हुआ था, बंगाली जो समाज था वो बिहार से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे नेता और लीडर्स और ऐसे मैगजीन्स, ऐसी संस्थाएं जो बंगाल में स्थापित हुई और प्रभावी थी, वो सभी बिहार में भी दिखी, उसमें से अधिकतर का प्रभाव बिहार पर भी दिखा। और बिहार में ऐसे मैगजीन्स, ऐसे बुक्स, ऐसी शाखाएं जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन है उसकी शाखाएं दिखीं, जिसने बिहार के युवाओं को भी आंदोलित और उद्वेलित किया। इस वक्त एक बुक आई, सखाराम देउस्कर जी की बुक, देशेर कथा यानी देश की बात, इसने बिहार के, बंगाल के साथ साथ बिहार के युवाओं को भी काफ़ी उद्वेलित किया। ऐसे कई सारी संस्थाएं स्थापित हुई, उनकी शाखाएं, जिसने बिहारी छात्रों को, बिहारी युवाओं को ट्रेन करने में, उन्हें इस सरकार के विरुद्ध खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये हम देखेंगे। कारण यह था कि बंगाल के बहुत सारे लीडर्स और उनकी संस्थाएँ बिहार में प्रभावी रहीं, उनकी शाखाएं खुली और लीडर्स यहाँ आए खुद और आकर के छात्रों को और स्टूडेंट्स को और लोगों को ट्रेन किया। इस तरह से मेले में, त्यौहार में, हड़तालों में, तालाबंदी में, जागरण में, ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन उसकी भावनाओं का प्रचार और प्रसार हुआ। इसके दो बड़े प्रभाव बिहार में देखने को मिले। स्वदेशी आंदोलन जो बिहार में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी प्रोडक्ट को, उसकी वस्तुओं को अपनाने से संबंधित था, यानी अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना और अंग्रेजी नीति का विरोध करना, उसका बिहार में व्यापक रूप से प्रभाव देखने को मिला। दो बड़े प्रभाव इसके आए। एक, बिहार में बंगाल से अलग होने का, बिहार को अलग प्रांत बनाए जाने का व्यापक और काफ़ी प्रभावी आंदोलन चला, क्योंकि बिहारियों का यह मानना था कि अगर विभाजन ही करना था, बांटना ही था, तो बंगाल को ना बांटकर बंगाल से बिहार को अलग किया जाता, क्योंकि ये डिमांड थी 1890-95 से लेकर से ही, बल्कि बिहार को अलग करने के लिए जो
जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो गई थी। तो बिहार का ये डिमांड था कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाता और यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था ठोस रूप में स्थापित की जाती। तो ये स्वदेशी आंदोलन का बहुत बड़ा दो प्रभाव बिहार में देखने को मिला। एक, बिहार में अलग प्रांत बनाए जाने का व्यापक स्तर पर आंदोलन चला और 1905-6 में ये आंदोलन प्रभावी रूप से शुरू हुआ और 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बन गया। तो एक बड़ा का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला। और दूसरा, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना विकसित और विस्तारित हुई। ऐसी कई घटनाएं हुई जिसने बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को एक नया स्वरूप दिया, एक नई दिशा दी। तो स्वदेशी आंदोलन का बिहार पर यह एक बड़ा प्रभाव था। तो आपसे अगर संक्षेप में पूछता है कोई कि स्वदेशी आंदोलन और बिहार, तो इसका क्या मतलब है, तो हम साफ तौर पर कहेंगे कि स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित था। बिहार पर इसका व्यापक स्तर पर असर पड़ा। गांव देहात, छोटे शहरों में से लेकर बड़े शहरों तक लोगों में जागृति आई, विदेशी वस्तुओं को जलाया जाने लगा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की भावना का विकास हुआ। साथ ही बिहार को एक अलग प्रांत बनाए जाने के लिए आंदोलन तेज हुआ और बिहार में क्रांतिकारी मूवमेंट को एक नई दिशा मिली, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग करके और समझने का प्रयास करेंगे। समझना आसान है, थोड़ा सा प्रयास से सब संभव है। टेक केयर।